नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बागेश्वर पुलिस ने 2 किलो 930 ग्राम चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए SST टीम का गठन किया गया है। इसके तहत कई स्थानों में चेकिंग की जा रही है। गत रात्रि कोतवाली पुलिस व SST टीम बालीघाट तिराहे में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें भराड़ी से दोपहिया वाहन में दो लोग आते हुए दिखे। वाहन रोककर चेकिंग की तो दोनों के पास से 2 किलो 930 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में सूपी निवासी प्रताप सिंह तथा झूनी निवासी भोपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त दो पहिया वाहन भी सीज कर दिया गया है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वह अपने गांव में ही भांग की खेती कर चरस बनाते हैं तथा बाहरी जिलों में बेचने का काम करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन लोगों तक चरस पहुंचाई जा रही थी उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने कोतवाली पुलिस व SST टीम को बधाई देते हुए बताया कि आरोपियों ने चरस तस्करी से जो भी संपत्ति कमाई है उसे भी जब्त किया जाएगा। ये बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनज़र जो स्टैटिक्स टीम हमारी लगी है उसमें एक बहुत अच्छा सक्सेस हमें मिला है। बालीघाट क्षेत्र में जो बागेश्वर पुलिस द्वारा स्टैटिक टीम लगाई गई उसमें रात्रि में बागेश्वर के कोतवाले ये भी स्वयं वहाँ मौजूद थे और जो चेकिंग हो रही थी रूटीन चेकिंग उसमें एक बहुत अच्छी कामयाबी बागेश्वर पुलिस को हासिल हुई है। इसमें दो व्यक्ति जो झूनी और सूपी गांव के निवासी है उनके कब्जे से 2 किलो 930 ग्राम चरस पुलिस को बरामद हुई है। ये चरस अपने खेतों में उगा के जो इनके इंट्रोगेशन में सामने आया अपने खेतों में उगा के उसको प्रोसेस करके अन्य जनपदों में बेचने के लिए लेके जा रहे थे। इसमें दो चीज़ें हम अलग कर रहे हैं इस बार, वो है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी होगी इसमें। अगर चरस बेचने से जो कमाई इससे हुई है उसके कारण जो भी इनकी मालमत्ता गाड़ी हो या घर हो जिसका इन्होंने निर्माण किया हो उस पर भी कार्रवाई होगी। दूसरा, ये जिन व्यक्तियों को ये बेचने के लिए जा रहे थे उनके खिलाफ भी हमें इंट्रोगेशन में और कुछ डिजिटल और फाइनेंशियल लेन देन संबंधी एविडेंस मिले हैं और उसमें भी जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन पे भी धारा 29 के अंतर्गत जल्दी कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी होगी। इसमें बेसिकली NDPS एक्ट एक बहुत सख्त कानून है और NDPS एक्ट के या NDPS सामान बेचने के कारण अगर कुछ ही संपत्ति को जमा किया जाता है तो वो संपत्ति सरकारी जमा होना एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय करना जो बनाई हुई है उसके प्रावधान है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जाए। उस वाहन को भी सीज कर दिया गया है। अभी तक जो इनके मौखिक और जो बागेश्वर एरिया में जो क्राइम रिकॉर्ड है उसमें तो इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, पर अन्य जनपदों में तथा कपकोट क्षेत्र में कोई कार्रवाई हुई हो उसके लिए भी रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। इसमें जो प्राइमा फेसी वो आया है कि ये कुछ क्वांटिटी में जो सामान है वो बाहर का कोई व्यक्ति आज बागेश्वर में आके पिकअप करने वाला था जो एक व्यक्ति के पास सामान है और बचा हुआ एक सामान ये अल्मोड़ा हल्द्वानी में जाके बेचने के प्रयास में 3 लाख के आसपास कीमत है। देशीय न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।